नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टोटल प्लम्बिंग सॉल्यूशन में। और आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूं, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। इस वीडियो में आज हमने जो बाथरूम के अंदर जो ट्रैप लगाया जाता है, जिसके ऊपर जाली लगाई जाती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें ये चीज़ डिटेल देंगे हम आपको, जो कि जो ट्रैप होता है और ट्रैप से और जाली के बीच का जो गैप होता है, इसके बीच में जो क्या होना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सीमेंट से घुटाई करके उसके बाद जाली रख देते हैं। इससे क्या होती है, सीमेंट की जब तक लाइफ होती है वो कुछ दिनों की लाइफ होती है, ज़्यादा दिन की उसकी लाइफ होती नहीं है। इससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद जब सीमेंट क्रैक होती है ना, जब सीमेंट की पावर ख़त्म होती है, तो क्रैकिंग के कारण जो क्रैकिंग का जो हिस्सा होता है, इसमें सीटेज स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद, साल 2 साल के बाद देखते हैं, जहाँ भी ट्रैप लगा होता है उसके नीचे लेंटर में चाहे वॉल में, वहाँ पे सीलन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको नज़र रखते हुए हम इस चीज़ का निजात पाते हुए हमने एक नई सोल्यूशन इसका अपनाया है। क्या करते हैं, जो ट्रैप होता है, ट्रैप और पत्थर के बीच में जो गैप होता है, इस गैप में हम पाइप का टुकड़ा लगाते हैं। पाइप का टुकड़ा फ्लोर के लेवल तक होता है, उस लेवल तक लगाने से ही होता है। जो भी हमारा ट्रैप से जाली तक का बीच का जो गैप होता है, वो पाइप लगाते हैं तो प्रॉपर प्लास्टिक होता है। उसके बाद पत्थर और जो पाइप के बीच का जो थोड़ा सा जो गैप रहता है, व्हाइट सीमेंट या सीमेंट के अंदर जो अपना केमिकल होता है वाटर प्रूफिंग वाला, वो मिला के उसको पूरा फील कर देते हैं। वो फील करने के बाद उसके बाद जो उसके ऊपर ट्रैप रख देते हैं, वो जाली रख देते हैं, सॉरी, जाली रखने के बाद ये होता है, वो जो हमारा जाली से ट्रैप तक का जो बीच का जो जॉइंट होता है, बिल्कुल लाइफ टाइम हो जाता है। इससे ना तो सीपेज आती है, ना किसी तरह की कोई सीलन की शिकायत होती है। अगर इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, तो हमें नहीं लगता है दोबारा हमें किसी सीलन से, किसी बिल्डिंग में अगर कोई सीलन होती है तो हमें कुछ सीलन देखने को मिले। इससे सीलन प्रूफ हमारा क्या कहते हैं, बाथरूम भी हो जाएगा, और ना ही हमें कोई कंप्लेंट आएगी जो सीलन के मामले में। ये हमारी वॉल माउंट शीट यहाँ पे लगेगी, और इसका जाली यहाँ पे हम दे रखा है ताकि अगर कोई पानी अगर यहाँ पर गिरे तो सीधा जाली के अंदर जाए। और ये हम एक वॉशिंग मशीन की जाली है, और ये यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, यहाँ एक वॉशिंग मशीन की जाली है, और ये अपना एक बाथिंग एरिया है जो शावर का पॉइंट है, ये शावर है, और ये डाइवेटर का है, ये हॉट कोल्ड का यहाँ पे स्पाउट है, और यहाँ पे एक लॉन्ग बॉडी लगेगी फ्रेश पानी के लिए, और ये यहाँ की जाली। ये बाथरूम को हम क्या करेंगे, यहाँ से कवर करके स्लाइड लग जाएगा, और यहाँ 4x4 का एक खुला स्पेस मिलेगा इस बाथरूम में नहाने के लिए, और ये ड्राई जोन और वेट जोन के हिसाब से बाथरूम बन जाएगा। तो ये जाली लगाने का कुछ इस तरीके से, लगने के बाद फिनिशिंग में कुछ इस तरीके से दिखती है। चलो, और मैं जाली इसको किस तरीके से लगाया है मैंने, इसके बारे में आपको बताया जाए। जाली लगाने का ये तरीका है, जो हमारा ट्रैप नीचे लगा हुआ है, ट्रैप लगाने से क्या होता है, जो नीचे हमारा नई ट्रैप है, ट्रैप से और फ्लोर तक के बीच में ये पाइप का टुकड़ा लगा दिया जाए। ये टुकड़ा लगाने से ये होता है ताकि जो पानी होता है साइडों से, अपना अगर सीमेंट लगाते हैं तो लीकेज वगैरह होती है, ये पाइप का टुकड़ा लगाने से ये होता है। यहाँ हम सीमेंट लगा देंगे और इसके ऊपर जाली रख देंगे। जाली रखने से ये होगा, पानी बिल्कुल प्रॉपर अपना ट्रैप में चला जाएगा, इससे सीपेज की समस्या नहीं रहेगी। और ये जाली हमारा कुछ किस तरीके से यहाँ सेट हो जाएगा, चारों साइड सीमेंट लगा के ये जाली हमारा सेट हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, और यहीं से मैं विराम लेता हूँ अपने वीडियो के लिए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन को दबा देना, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटिव अगर कुछ जानकारी लेनी हो, तो मुझे कृपया अपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे आप बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ।